हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ आर शेयर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो वेवुशियन था वो बहुत ज़्यादा फीवर होने की वजह से एक ही बेड पे सो गया था। सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके आसपास जो है वो जेवजोन और लवांगची जो है वो पहले से ही उठ गए होते हैं, क्योंकि वो 5 बजे उठने के आदि थे। विंग भी 5 बजे उठने का आदि था, बट उसके जो बॉडी थी उसमें इतनी जान नहीं थी बुखार की वजह से। वो देखता है कि वो लोग कुछ उसे पट्टे भी कर रहे हैं, उसका पसीना भी पोंछ रहे हैं, तो एकदम से विंग जागता है। पर जेवजोन उसे कहते हैं, विंग तुम सो जाओ। विंग कहता है कि आप लोग पूरी रात मेरी सेवा कर रहे थे। तो मुस्कुराकर जेवजोन कहते हैं, नहीं नहीं, मैं और लवांगची तुम्हारे पास ही सो गए थे। लवांगची कहता है, कैसा फील हो रहा है तुम्हें विंग, क्या तुम्हारे लिए कोई सूप या काढ़ा ले आऊँ? विंग कहता है, तुम क्लास में क्यों नहीं गए लंजा? कोई बात नहीं, जेवजोन मेरा ख्याल रख लेंगे। तो वो कहते हैं, नहीं, काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब होने की वजह से आज अंकल ने सबको छुट्टी दे दी है, क्योंकि यहाँ पर शुयंग की भी तबीयत ख़राब है, वेनिंग की भी तबीयत ख़राब है और विंग की भी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से उन्हें 2 दिन की छुट्टी दी है ताकि सारे अपनी इम्यूनिटी को वापस से बूस्टअप करें और उसके बाद ये लोग आगे एनर्जेटिक होकर सारा काम कर सकें। विंग थोड़ा सा स्माइल करता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि अंकल चिरन ने 2 दिन की छुट्टी सबको दे दी हो। विंग को यकीन नहीं आ रहा था और वो कहता है, आप लोग यहाँ सोए किसी ने देखा तो नहीं, वरना हम तीनों को पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर मुस्कुराकर जेवजोन कहते हैं, नहीं, किसी ने नहीं देखा, बल्कि मैंने अंकल को पहले ही खत भेज दिया था। उसमें मैंने बता दिया कि मैं और वांगची कल यहीं रुके थे क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। और अंकल को वो खत मिलने के बाद, हाँ, उन्होंने गुस्सा ज़रूर किया, पर उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम लोगों को तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अंकल भी जानते हैं बैक टू बैक कितने सारे हादसे हो रहे हैं, उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा आराम चाहिए। विंग यहाँ पर छींक मारते हुए कहता है, अच्छों जेवजोन, अगर आप और लंजा यहाँ रहोगे तो आप दोनों को भी मुझसे सर्दी लग जाएगी। और वो फिर से छींक मारता है, अच्छों। और जैसे ही वो छींक मारता है, जेवजोन कहते हैं, गॉड ब्लेस यू, कोई बात नहीं, भगवान तुम्हें और भी ज़्यादा ब्लेसिंग दे। यहाँ पर वो जैसे ही ये बोलते हैं, और यहाँ पर विंग के लिए गर्मा गर्म सूप जो है हमारा लंजा लेके आता है, और लंजा यहाँ पर विंग को सूप पिला रहा होता है। विंग कहता है, लंजा तुमने कुछ खाया? यहाँ पर लंजा कहता है, नहीं, पहले तुम सूप पी लो और उसके बाद जाके मैं और ब्रदर ब्रेकफास्ट कर लेंगे। वो दोनों भाई नहा चुके थे और विंग के लिए भी यहाँ पर खाना आ चुका था। स्पेशली लंजा ने अपने हाथों से उसके लिए सूप तैयार किया था, जैसा कि विंग को चाहिए था और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए चाहिए था। तब तक जो हमारे लैंशन थे वो उसका देखभाल कर रहे थे, क्योंकि विंग अभी सो रहा था, तो उसके पसीने जो पोंछना जो बुखार में पसीना आता है वो गंदा पसीना होता है, तो इसकी वजह से उसकी स्वेटिंग को पोंछ रहे थे वो बार बार। यहाँ पर विंग जो है वो सूप को पी लेता है, उसके बाद उसकी शरीर में अभी भी जान नहीं थी, टूटा टूटा लग रहा था क्योंकि वो बहुत देर पानी में बैठा था, और जब आप पानी में बैठते हैं तो उसके बाद सच में शरीर बहुत टूटा टूटा लगता है। इवन रात में सोते हुए भी ऐसा लगता है जैसे हम किसी बोट में ही सो रहे हों, ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर जो है वो बार बार हिलडुल रहा है, जैसे पानी झटका देता है और जैसे वापस जाता है, तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग विंग को भी आ रही थी। और उसकी नींद भी बहुत अच्छे से पूरी नहीं हुई थी, आँखों में भी जलन थी। तो यहाँ पर लंजा उसे आँखों में डालने के लिए गुलाब जल देता है कि ताकि इससे उसकी आँखों में इरिटेशन ना हो। यहाँ पर जेवजोन कहते हैं, मैं बाकी लोगों का जायज़ा लेके आता हूँ, लंजा तुम विंग को यहाँ पर उसे कुछ चाहिए हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, और मैं बाहर से कुछ फल फ्रूट भी ले आता हूँ, तब तक तुम यहाँ रहो, अंकल से भी मिल के आता हूँ। बाहर जाते हैं जेवजोन, जेवजोन सबसे पहले जाके अंकल से मिलते हैं। अंकल से उन्हें डांट पड़ती है कि दोनों भाई एक ओमेगा के पास क्यों रुके, लेकिन अंकल चरण जानते हैं कि दोनों भाइयों को वैसे भी नींद नहीं आती, क्योंकि अक्सर जब भी विंग बचपन में कभी बीमार पड़ जाता था तो लंजा तो जैसे कितना भी उससे लड़ ले लेकिन उसके पास से कभी भी इधर उधर नहीं जाता था, और जेवजोन का भी यही हाल हुआ करता था। तो वो जानते हैं कि वो दोनों के दोनों विंग को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं ये पता है कि आने वाले टाइम में शायद विंग ही उनका फ्यूचर सन इन लॉ बन सकता है, या फिर कहें कि डॉटर इन लॉ। तो वो ये चीज़ें जानकर इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि अगर यहाँ पर जेवजोन ने और विंग ने कुछ किया तो वो जानते हैं कि प्रोफेसर के अकॉर्डिंग दोनों भाइयों के बीच में विंग को शादी करनी होगी और दोनों भाइयों के साथ रहना होगा। तो वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, एक बात बताओ शिचन। शिचन बोलते हैं, जी अंकल, बोलिए। यहाँ पर अंकल चरण मुस्कुराकर कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाइयों का जो पार्टनर है वो वेवुशियन बने, क्या
क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? देखो, अगर ऐसा नहीं लगता तो फोर्सफुली मत कहना। मैं अंकल हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, शायद मेरी थिंकिंग गलत हो, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर विंग हमारे परिवार में लेन फुरन बनेगा तो इस जगह का बहुत कल्याण होगा। और मुझे लगता है कि तुम दोनों भाइयों को अगर कोई संभाल सकता है, एक साथ ला सकता है और एक साथ एक जगह रख सकता है तो वह विंग है। मुस्कुराकर शिचन भी कहते हैं, जी अंकल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन उनके कान लाल हो रहे थे, जिसे देखकर अंकल चरण कहते हैं, ओके ओके, ठीक है ठीक है, तुम जा सकते हो। लगता है मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही कड़ा सवाल कर दिया है। यहाँ पर शिचन थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, पर अपनी मुस्कुराहट को वो कहीं ना कहीं रोक रहे थे और वो बो करते हैं। अंकल चरण समझ गए थे कि शिचन और वांगजी को शायद से विंग बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो मन में सोच रहे थे कि अगर विंग थोड़ा और बड़ा हो जाए तो इन दोनों की, मतलब इन तीनों का आपस में रिश्ता कर दिया जाए। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि विंग को क्लेम करने वाले बहुत से लोग होंगे, और विंग की इच्छा का क्या। वो समझ सकते थे उनके दोनों नेफ्यू विंग को उस नज़र से पसंद करते हैं, पर अगर विंग अगर इन्हें नहीं पसंद करता हुआ तो एक दोस्ती वाली अट्रैक्शन अलग बात होती है। लेकिन लाइफ में जब जीवन साथी को हमें चुनना होता है तो क्या विंग दो हस्बैंड्स को कबूल करेगा? क्योंकि प्रोफेसी ऐसी ही है कि शिचन और लंजा की जिससे शादी होगी वो एक ही पर्सन होगा। यहाँ पर वो मन में सोचते हैं कि विंग को कन्विंस करना कितना मुश्किल होगा, और क्या ये उसके साथ अनजस्टिस नहीं होगा अगर कोई उसे फोर्सफुली ये सब करवाए तो। वो मन में सोचते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर उसके बाद वो लैन जितने भी इम्पीरियल हीलर थे उनके पास जाते हैं, जब जुन वहाँ पर पता करते हैं शुयंग का और वेनिंग का, जिन्होंने पूरी की पूरी रात जो थी वो वहाँ पर लैन डॉक्टर्स के पास ही बिताई थी। वो दोनों ही एक कमरे में लेटे हुए थे। जवजुन को देखकर ग्रीट करते हैं दोनों के दोनों। वो पूछते हैं वेनिंग और शुयंग से कि अब दोनों की तबीयत कैसी है। पहले शुयंग बताता है कि अब उसे काफ़ी पेन कम है, और जितनी यहाँ पर इम्पीरियर हीलर ने अपनी गोल्डन कोर यूज़ करके उसके जितने भी जख्म को सुखाने की कोशिश की थी, ऑलमोस्ट जो रिकवरी उसे 1-1.5 मंथ में होनी थी वो एक दिन में उसे रिकवरी काफ़ी अच्छी तरीके से हो गई थी, क्योंकि सबने अपनी कोर का इस्तेमाल करके उसके जख्मों को ठीक किया था। और वेनिंग के साथ भी सेम था। वेनिंग कहता है, क्या मैंने आप लोगों को डरा दिया? शुयंग कहता है, ऐसा क्या हुआ था कि तुमने इन सबको डरा दिया? वेनिंग कहता है, कुछ नहीं, मेरे अंदर कुछ ऐसी स्पिरिट्स हैं जो बाहर आ जाती हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिएक्ट करती हैं, और उसके बाद मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं कहाँ हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी सुध-बुध क्यों गुम हो जाती है। शिचन यहाँ पर बड़े ही प्यार से वेनिंग के पास बैठते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, अक्सर ये चीज़ें हो जाती हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, और मुझे यकीन है कि कोई ना कोई इंसान तुम्हारे लिए चीज़ें ढूंढ लेगा। वैसे तुम्हारे दोनों के लिए खुशखबरी है, तुम्हारी क्लासेस मिस नहीं होंगी। 2 दिन के लिए अंकल चेरन ने हम सबको छुट्टी दी है, तब तक अच्छे से रिकवर हो जाओ, अपनी गोल्डन कोर को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लो, क्योंकि उसके बाद तलवारबाजी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और तुम जानते हो ना तलवारबाजी की क्लासेस शुरू होने में कितना मज़ा आएगा। हर दिन हर एक बच्चे का एक दूसरे से कॉम्पिटिशन होगा, और उसके बाद जो आखिर में सारे कॉम्पिटिशन को जीतेगा उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी दिया जाएगा। तो देखते हैं इस बार कौन जीतेगा। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि सबको फेयर चांस मिलेगा, बट जिनकी स्किल्स पुअर हैं उन्हें अपनी स्किल्स को फटाफट से एनहेंस करना चाहिए। इसमें बहुत सारे राउंड होंगे, जैसे कि हम जानते हैं इसमें तीरंदाजी, और यहाँ पर कौन सबसे अच्छा तीर चलाता है, तलवारबाजी किसकी तेज़ है, कौन दूसरे ओपोनेंट को फटाफट से हरा सकता है। यहाँ पर माइंड गेम्स भी होंगे, जैसे कि शतरंज, लूडो और बाकी की चीज़, यहाँ तक कि कौन इंसान दवाइयों के मामले में भी ज़्यादा तेज है और परख रखता है चीज़ों को सूंघ के बताने की। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि पेंटिंग के थ्रू राज खोलने, कि कौन इंसान पेंटिंग के थ्रू, जैसे कहते हैं ना, पहेलियाँ सुलझा सकता है, उस तरह की पहेलियाँ, इवन बातों में भी किस तरह से कोई अपने सुराग ढूंढ सकता है, ये चीज़ भी जांची जाएगी। और जो अव्वल दर्जे का इंसान होगा, जिसका माइंड सबसे ज़्यादा शार्प होगा और ये सारी स्किल्स भी बहुत अच्छे से उसकी डेवलप्ड होगी, वही बच्चा स्टूडेंट ऑफ द ईयर काउंट होगा। और उसके बाद जब वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर काउंट होगा,
तो यहाँ पर सारे राजकुमारों या फिर कहा जाए कि सारे डिसाइपल्स में से उसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा मान लिया जाएगा। और ये सारा एक प्लेनेट यानी कि गुसु के प्लेनेट में ही नहीं बल्कि सारे प्लेनेट मिलके इस चीज़ के लिए एग्री होंगे और सारे नेता यानी कि सारे सेक्ट लीडर इसके लिए एग्री करेंगे। ये सुन के शूयिंग तो बहुत एक्साइटेड होता है, पर वो कहता था कि उसकी जो कुछ चीज़ों में कमांड है वो अच्छी नहीं है, जैसे कि उसे किताबी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, तलवारबाजी, चाकू चलाना, ये सब उसने बखूबी सीखा है। दवाइयों के बारे में, जहर के बारे में पढ़ना उसने काफ़ी कुछ सीखा है, स्ट्रीट पे रहकर, आम लोगों को देखकर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं सीख पाया, और जैसे कि आसपास का भूगोल और बहुत सारी चीज़ें, किताबी नॉलेज, ये सब उसे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि वो किसी अच्छे गुरुकुल में नहीं गया था। वो तो यहाँ पर वेंस की बदौलत आ गया है। उसे थोड़ा सा दुख हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंड था। जिवजुन जब ये बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ शूयिंग से मिलने मिंग्याओ भी आता है। मिंग्याओ को देखकर, इवन जिवजुन को देखकर मिंग्याओ स्माइल करता है। और यहाँ पर शूयिंग के लिए वो सूप वगैरह ला रहा था। यहाँ पर वेन्नी की शिजे उसके लिए सारी चीज़ें लेके आती हैं। जिवजुन कहते हैं अब मैं चलता हूँ, लेकिन तभी मिंग्याओ जो है वो उन्हें रोक कर उनके पास थोड़ी देर समय बिताने के लिए कहता है और कहता है जिवजुन मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, क्या मुझे लेंस की लाइब्रेरी में जाने का एक्सेस मिलेगा? मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर के कंपटीशन होने वाले हैं, मैं यहाँ पर एज अ सर्वेंट आया हूँ नीहुए सिंह के साथ, पर मैं उन सारी चीज़ों में पार्ट लेना चाहता हूँ। यहाँ पर मुस्कुरा कर जिवजुन कहते हैं बिल्कुल, अगर तुम किसी किताब को पढ़ना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। और यहाँ पर वो अपने पास से एक लिखित, यहाँ पर उसे प्रमाण पत्र यानी कि लेटर भी देते हैं, जहाँ पर अगर वो लाइब्रेरी से कोई चीज़ पढ़ना चाहे तो उसे फॉरबिडन एरिया की छोड़कर बाकी सारी लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ने की पूरी इजाज़त है। यहाँ पर वो खुश होता है और जाता है। तभी यहाँ पर शूयिंग से मिलने वेंसेक्ट के लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं अरे तुम जैसा इंसान पढ़ के क्या करेगा? वो मिंग्याओ को नीचा दिखाते हैं, पर मिंग्याओ कहता है मैं तो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना चाहता हूँ, मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। वो मुस्कुराकर कहते हैं एक तवायफ का बेटा पढ़ना, ये चीज़ तुम्हें शोभा नहीं देती इस तरह के कार्य। तभी यहाँ पर जिवजुन कहते हैं क्या कहा तुमने? दोबारा इस तरह की भद्दी लैंग्वेज का कोई भी यहाँ पर उपयोग नहीं करेगा, वरना उसे 20 बैत की सज़ा मिलेगी। बैत मतलब बड़े बड़े डंडों की सज़ा जो सीधा आकर कमर पर लगते हैं। यहाँ पर वो जैसे ही ये बात बोलता है ना तो वेंचाओ, वेंशु, वेंजुलियो चुप हो जाते हैं और वो शूयिंग से मिलते हैं। शूयिंग यहाँ पर वेंचाओ को कहता है तुम अपनी ज़ुबान बंद नहीं रख सकते, मिंग्याओ को क्यों सताते रहते हो? जिवजुन यहाँ बाहर आते हैं। मिंग्याओ का चेहरा थोड़ा उतर गया था लेकिन उसकी जो फेक स्माइल थी ना वो अभी भी उसके चेहरे पर थी, लेकिन उसके पीछे का दर्द कहीं ना कहीं शिचेन समझते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं मिंग्याओ तुम्हें ये सब बातों को माइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग तुम्हारी टांग खींचकर तुम्हें नीचे गिराएंगे, पर तुम्हें हमेशा अपने उद्देश्य पर खड़ा उतरना है। तुम्हें लोगों की बातों का दिल पे नहीं लेना, बुरा नहीं मानना। अगर हम ऐसे ही लोगों की बातें सुनकर बुरा मानते रहे तो हम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मिंग्याओ तुम इन लोगों को इग्नोर करना, लोगों का काम होता है बकवास करना। जब वो दूसरों से कंपटीशन नहीं कर पाते ना तो वो ज़ुबान, अपनी गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल करके दूसरों को नीचा दिखाते हैं। तो प्लीज़ तुम इन लोगों की बातों में कभी मत आना। मुस्कुराकर मिंग्याओ कहता है ऑफ कोर्स मैं कभी नहीं आऊँगा, और आपकी दी हुई हिम्मत मैं हमेशा याद रखूँगा। मैं याद रखूँगा कि आपने मुझे क्या ज्ञान दिया है, क्या सीख दी है, और मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा जिवजुन, थैंक यू। वैसे बोलता है वो प्यार से यहाँ पर उन्हें बाय करता है और चला जाता है। जिवजुन कहते हैं अच्छी बात है तुमने इन चीज़ों को दिल पे नहीं लिया। लेकिन मिंग्याओ जो आगे चल रहा होता है वो मन में सोचता है आज तुम लोग जो भी मुझ पर हंसते हो हंस लो, एक दिन मैं तुम्हें बता के रहूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। तो मेरी माँ के प्रोफेशन का मजाक उड़ाते हो, कोई बात नहीं तुम्हें भी तुम्हारी औकात जल्द पता चलेगी। और वो यहाँ सर ये बोल के जाता है, लेकिन वो अपने कंधे पे हाथ फेरता है और कहता है इस दुनिया में एक इंसान है, या फिर कहूँ दो, एक तो नीहुए सिंह है जिसे मैं अपने भाई समान मानता हूँ, और दूसरे जिवजुन, वो मुझे हमेशा से प्यार की नज़रों से देखते हैं, वो कभी भी मुझ पर तरस खाई हुई नज़रों से नहीं देखते,
उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है उसमें तरस नहीं होता, उसमें मेरे लिए रिस्पेक्ट छलकती है। कितनी अच्छी परवरिश है उनकी, मैं भी एक ऐसा इंसान डिज़र्व करता हूँ। पर अगर प्रोफेसी, फिर वो मन में सोचता है कोई बात नहीं, उसके लिए मुझे उस अकड़ू लवांगची से भी शादी करनी पड़ी तो मैं कर लूँगा, लेकिन चिवजुन जैसा इंसान मैं उन्हें खो नहीं सकता। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अगर मैं इस जगह पर जीत नहीं पाया क्योंकि मेरी गोल्डन कोर इतनी ज़्यादा अच्छी, सुरक्षित और स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मैं अगर जीत नहीं पाया तो कम से कम मैं उन्हें इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों में आगे बढ़ सकता हूँ, काफ़ी सारी नॉलेज को ग्रैब कर सकता हूँ जिससे मैं उनका दिल जीत सकूँ। मुझे पता है जीवजन को खाली टाइम में बुक्स पढ़ना कितना पसंद है, उन्हें तरह तरह की नॉलेज लेना, चीज़ों को जानना, और तो और उन्हें उस बोरिंग लवांगची की तरह रूल्स नहीं पढ़ने, उन्हें और भी ज़्यादा हर चीज़ के बारे में जानना है। उन्हें म्यूज़िक भी अच्छा लगता है, उनके पास एक फ्लूट है, मैं उनके लिए म्यूज़िक सीखूँगा। मैं उन्हें खुश करने के लिए हर चीज़ करूँगा ताकि मैं उन्हें इम्प्रेस कर सकूँ। और उसके बाद ये लेंस एक्ट, जिस दिन मैं इस लेंस एक्ट की फ़ौरन बन जाऊँगा ना, उस दिन मैं इन लोगों को अच्छा मज़ा सिखाऊँगा, क्योंकि इस दुनिया के सबसे खूबसूरत जेड मेरे हस्बैंड्स होंगे। बाकी ये लोग क्या जाने, ये लोग क्या जाने कि जब मैं लेंस एक्ट का फ़ौरन बनूँगा सारी ताकतें मेरे अंडर होंगी, चिवजुन भी मुझे पसंद करेंगे, और फिर ये कभी भी मेरे आगे सिर उठाकर कुछ भी अपशब्द नहीं बोल पाएंगे। यहाँ पर वो मुस्कुराकर आगे जाता है कि तभी यहाँ पर वो टकरा जाता है न्यू हेसिंग से, और वो न्यू हेसिंग कहता है, ब्रदर तुम यहाँ किससे मिलने आए थे, शुयंग से या फिर तुम विनिंग से मिलने आए थे? यहाँ पर मिंग्याओ कहता है, मैं शुयंग से मिलने आया था, पर अब वो दोनों ठीक है, मैं उसे यहाँ खाना देने आया था। और ब्रदर नी, आपने कुछ खाया, आपने कुछ किया? यहाँ पर न्यू हेसिंग कहता है, मेरे ब्रदर जो है नीमिंग जू, वो कह रहे थे कि आजकल तुम उन्हें खत नहीं लिखते, प्लीज़ खत लिखो ना, तो मेरे बारे में कुछ भी नॉलेज मत देना, मत बताना कि मैं इस तरह से नाइट हंट पे नहीं गया, वरना उन्हें बहुत गुस्सा चढ़ेगा और वो सारा गुस्सा मुझ पे निकाल देंगे। मुस्कुराकर मिंग्याओ कहता है, आज तक मैंने कभी भी आपके विरुद्ध जाकर कुछ किया है, मेरे लिए आप मेरे भाई समान हैं, तो चिंता मत कीजिए, मैं सेक लीडर नीमिंग जू को कुछ भी नहीं बताऊँगा। मुस्कुराकर वह ऐसे बोलता है और आगे चला जाता है। न्यू हेसिंग मटकता हुआ अंदर आता है और वो अपने दोनों ही कलीग से, यानी कि अपने साथ पढ़ने वाले क्लासमेट से बातें करता है, उनका हालचाल पूछता है और अपनी सिली जोक्स बता बता कर सबको हंसाता रहता है। यहाँ पर वेंचिंग अपने भाई को लेकर टेंस थी कि सबके सामने उसका सच आ गया है, पर जिस तरह से सबने उसे देखकर अलग रिएक्ट नहीं किया, खुद से अलग नहीं किया, उल्टा सब उसे देखने आ रहे हैं, तो काफ़ी खुश थी। वो मन में सोच रही थी कि किस तरह से ब्रेवरी से इन सब ने उसके भाई को बचाया है, और उसे ये भी सुनने में आया था कि वेवोशियन उनमें से एक इंसान था जिसने उसे यहाँ तक लेके आया। वो यहाँ पर वेवोशियन का थैंक कहना चाहती थी, लेकिन तभी के तभी वो अपने भाई से कहती है कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम यंग मास्टर वे का जाकर शुक्रिया अदा कर देंगे। तो उसका भाई कहता है, जी जी जी, जब मैं ठीक हो जाऊँगा। वैसे वो आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? यहाँ पर वेंचिंग भी ये चीज़ देख रही होती है, तभी वो ये सवाल एकदम से आगे बढ़कर जिवजुन से पूछती है। जिवजुन कहते हैं, एक्चुअली ज़्यादा देर पानी में रहने की वजह से यहाँ पर वेवुशन को भी बुखार हो गया था, और वेवुशन की तबीयत का वो रिस्क नहीं ले सकते, और अच्छा ही होगा कि बाकी के लोग वहाँ पर जाकर वेवुशन से बार बार ना मिले, हो सकता है ये वायरल उन्हें भी फैल जाए, क्योंकि उसे बुखार के साथ साथ जुकाम भी है, और जुकाम अक्सर लोगों को फैल जाता है, और फीवर भी। यहाँ पर बाकी सारे कहते हैं, ठीक है, जब वो ठीक होगा तो हम उससे क्लास में ही मिल लेंगे, और दो दिन की जो इन्हें छुट्टी दी गई थी उसके बाद ये लोग काफ़ी खुश थे, क्योंकि ये अपनी इम्यून पावर को गैदर कर रहे थे। उसके बाद जो जिवजुन थे वो कुछ ताज़े फलों को तोड़कर वे वुशन के लिए जेंशियल हाउस में लेके जाते हैं। वो देखते हैं कि जेंशियल हाउस में विंग जो था वो नहाने गया हुआ था, लवांगची विंग के लिए कपड़े लगा रहा था। वो अंदर आते हैं और कहते हैं, लवांगची क्या कर रहे हो? लवांगची कहता है, मैं विंग के लिए कपड़े लगा रहा हूँ। यहाँ पर विंग जो था वो बाथरूम में था, और बाथरूम में वो बड़ी मुश्किल से नहाने जा रहा था, क्योंकि पसीने की वजह से जो गंदा पसीना होता है वो हमें और भी ज़्यादा बीमार कर देता है, इसलिए वो बाथ लेना चाहता था। यहाँ वो एक थोड़ा सा गर्म पानी का बाथ लेता है, और उसके बाद जैसे ही वो आ रहा होता है
उसे शरीर में थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस होती है और अचानक से जब वो बाथटब से बाहर निकलता है, लेकिन उसका पैर एकदम से उलझ जाता है और वो फिसलने वाला होता है, इवन वो फिसल के गिर जाता है। ये आवाज़ जब बाहर जीवजुन और लवांगची को भी आती है तो वो दोनों के दोनों बाथरूम की तरफ भागे जाते हैं। वी जिसने अभी कुछ भी नहीं पहना था वो एकदम से गिरा हुआ था ज़मीन पे, और यहाँ पर वो लोग जैसे ही विंग को ऐसे देखते हैं 2 मिनट के लिए तो शॉक्ड होते हैं, और उसके बाद जीवजुन अपने आउटर रोब और लवांगची भी अपने आउटर रोब उतारता है और विंग को ढक देता है। विंग के पैर में सच में बहुत बुरी तरह से मोच आ गई थी। वो लोग विंग को जैसे तैसे करके अपनी गोद में उठाते हैं, अपने मोटे मोटे रोब से ढक चुके होते हैं और वो उसे बेड पर ला कर रखते हैं। विंग यहाँ पर रो रहा था क्योंकि उसके पैर में सच में बहुत ज़्यादा मोच आ गई थी, और वो थोड़ी सी नज़रें भी चुरा रहा था क्योंकि यहाँ पर उसे दर्द के साथ साथ शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि पहली बार जवान होने पर दो अल्फाओं ने उसे ऐसे देखा। यहाँ पर वो नज़रें चुरा रहा था, लेकिन तभी लवांगची उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, पैर दिखाओ हमें, कहाँ लगी है तुम्हें। लवांगची धीरे से विंग के पैर को सहलाने लगता है। जीवजुन कहते हैं, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। यहाँ पर वो कहते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है वो लैन इंपीरियर डॉक्टर को सीधा के सीधा वो गुप्त मैसेज भेज देते हैं जो कि लेंस की ट्रिक होती है, जिससे वो लोग सीधा वहाँ पर अपना सारा सामान लेके आए। और तभी वो लवांगची से कहते हैं, हमें विंग को कपड़े पहनाने में हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पर वो लोग विंग को पहले उसके इनर रोब्स पहनाने में हेल्प करते हैं विंग, और फिर उसके ट्राउज़र्स को वो लोग घुटनों तक काट देते हैं ताकि विंग जो है इजीली उसे पहन सके। विंग अपनी चादर के अंदर ही धीरे धीरे करके कपड़ों को पहनता है। उसके पैर में दर्द हो रहा था तो सपोर्ट के लिए लवांगची और जीवजुन उसकी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी और के सामने वो विंग को इस तरह से कोई देखे बिना कपड़ों के। विंग अपने इनर रोब्स में आ जाता है, और यहाँ पर जीवजुन ने अपना रोब उसे पहनाया हुआ था और लवांगची ने आगे से अपना रोब से उसे पूरी तरह से ढका हुआ था। जब यहाँ पर इंपीरियर हीलर आते हैं, वो देखते हैं दोनों ही जवान ट्विंस ने यहाँ पर विंग को अपने अपने रोब दिए हुए हैं। वो समझ जाते हैं कि विंग की तबीयत ठीक नहीं है, वो गिर गया है, शायद इसलिए जल्दबाजी में इन्होंने उसे चीज़ें दी। वो विंग का पैर देखते हैं जिस पर मोच आई हुई थी। वो लोग विंग के पैर पे जब चीज़ों को देखते हैं तो विंग को काफ़ी मोच आई थी। यहाँ पर इंपीरियर हीलर बोलता है कि विंग को 1 हफ्ते का फ्रैक्चर चढ़ेगा, जिसे सुन के विंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्यों। यहाँ पर जीवजुन कहते हैं, क्या उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं, हाँ, लेकिन 1 हफ्ते का फ्रैक्चर उसे आएगा, उसकी मुझे लगता है कि टिश्यू इंजरी हुई है और अंदर से मांस फटा है, पर कोई बात नहीं, मैं उसके खाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए दवाई लिख देता हूँ जिससे वो जल्द से जल्द हील हो जाएगा। यहाँ पर विंग थोड़ा सा रोतरी शक्ल लेके बैठा हुआ था, लेकिन वांगजी उसे कहता है, कोई बात नहीं, उसकी कमर सहलाता है। विंग अचानक से रोने लगता है और कहता है, पर मैंने सुना वो अंकल ने सबको बताया है कि स्टूडेंट कॉम्पिटिशन होने वाला है, और मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का कॉम्पिटिशन जीतना था, मैं अपने टूटे हुए पैर के साथ कैसे उसमें भाग लूँगा। जीवजुन कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें हेल्प करनी हुई तो मैं और लवांगजी हेल्प करेंगे, तुम्हें जहाँ जाना होगा हम तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे। यहाँ पर लवांगजी और जीवजुन जो है वो बाहर आते हैं। वो विंग को पहले लेटने में हेल्प करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसे एक सराहने पर ही पैर रखना है, और यहाँ पर वो अंकल से कह देते हैं कि विंग की तबीयत ठीक नहीं है, विंग का खास ख्याल दोनों लैन डिसाइपल्स ही रखेंगे और कुछ ओमेगा सर्वेंट्स ही, उसके अलावा कोई भी विंग के चैम्बर में अल्फा तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर वो दोनों मिलके विंग का ख्याल रखते हैं। जीवजुन यहाँ पर कहते हैं कि मैं कारपेंटर से बात करता हूँ, उससे कहकर मैं विंग के लिए एक व्हील चेयर बनवा देता हूँ ताकि वो मूव कर सके, वो हमारी तरह कंपटीशन में भाग ले सके। विंग ने बहुत मदद मेहनत की है सालों से, उसने हर चीज़ को सीखने का पूरा अभ्यास किया है, मैं उसे ऐसे हारते हुए नहीं देख सकता। अगर ये कंपटीशन में विंग ने भाग नहीं लिया तो मैं जानता हूँ उसका मनोबल यानी कि उसकी मोटिवेशन टूट जाएगी, और वो भी पूरी तरह से टूट जाएगा। उसकी प्रतिभा को दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका है और मैं नहीं चाहता कि वो कभी गवाए। यहाँ पर वो लैंड डिसाइपल्स को कहकर कारपेंटर से उसके लिए एक चेयर बनवा देता है। देखते हैं गाइस आने वाले टाइम में क्या होगा, विंग को ये लोग कितना सपोर्ट करेंगे और विंग के जो पैर का दर्द है वो कैसे जाएगा। उल्टा विंग तो
और भी ज़्यादा बुखार में पड़ा है, क्योंकि उसके पैर का दर्द और उसका बुखार दोनों ही चरम सीमा पे हैं। आई होप विंग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए और उस कंपटीशन में भाग ले। देखते हैं उस कंपटीशन का आगे चल के विजेता कौन होगा, और जो भी होगा वो बहुत फेयर इंसान होगा। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर के कंपटीशन का रिजल्ट। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।